जनता को भी पता होना चाहिए, सरकार को भी पता होना चाहिए, नौकरशाह को भी पता होना चाहिए और नेता को भी पता होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस तरह से जहां बीजेपी जहर फैला रहे हैं, यही बंगाल के अंदर जहां कैबिनेट मिनिस्टर बैठा होता है और मिथुन चक्रवर्ती कहता है मैं 70% को हर हालत में देख लूंगा, उसको दफना दूंगा, जहां वहां डाल दूंगा, तो ये इस तरह की नफरत पहुंचाना कितना बड़ा जायज है। झारखंड में आज वोटिंग हो रही है, जिस तरह से वहां पे नफरती बयान दिए गए थे, जिसे मोदी जी ने वहां पे बोला था मंचों से कि आपकी बेटी छीन लेंगे, आपकी रोटी छीन लेंगे, आपके जमीन हड़प लेंगे, उसका क्या पड़ेगा प्रभाव सर चुनाव पे? देखिए जनता अब बहुत शातिर और बहुत समझदार हो गई है, चलाक हो गई है, तेज हो गई है। अब जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो अंधभक्त हैं, जो जयचंद हैं, जो बीके लोग हैं, जो चमचागिरी कर रहे हैं, जो चंद पैसों पे बिक करके अपने ईमान को बेच देते हैं, उनका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जहां पे मोदी जी भाषणों में जो एक संवैधानिक पद के देश के प्रधानमंत्री हैं उनको शोभा नहीं देता, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था जनरल इलेक्शन तब उन्होंने कहा कि भैंसिया ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, कांग्रेस वाला ये करेंगे वो करेंगे, तो इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। और यही भाषा फिर उन्होंने जो है झारखंड में करते हैं कि आपकी बेटी को ले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री से कि आपने NRC लाए, आपने CAA लाए, आपने जो है जो हमारे देश के आसपास के पड़ोस है वहां से लाए, जब रोहिंग्या और बंगाली जब भारत के अंदर आए तो आपकी सरकार है, केंद्र सरकार है, आपने उस पर रोक क्यों नहीं लगाया? आज आप झारखंड में कह रहे हैं कि बंगाली आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, आपकी बेटी को ले जाएंगे, इसलिए बीजेपी को सरकार बना दो, हम आपको जो है उससे राहत देंगे। यही कांग्रेस कह रही है कि मेरी सरकार दे दो, मैं राष्ट्रीय जनगणना करूंगा, ये सब दे दो, करेंगे कुछ नहीं। कांग्रेस की कई राज्यों में राज है, कई जगह बीजेपी की है, जो वादा कर रहे हैं वो अपने राज्यों में निर्वहन क्यों नहीं कर रहे? यही झारखंड के अंदर बीजेपी की जो है नेता कहते हैं हेमंत सोरेन जो है गायब हो जाएगा इस चुनाव के बाद। तो देखते हैं दो दिन में हेमंत सोरेन गायब होता है या बीजेपी गायब होता है, ये तो अब दो दिन में रिजल्ट ही आ जाएगा। यही महाराष्ट्र के अंदर वहां 5-5 करोड़ बीजेपी के लोग बांटते हुए पकड़े जाते हैं, तो ये सब हो क्या रहा है? ये सब अराजकता का निशानी है, ये सब जनता को बेवकूफ बना करके सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। तो झारखंड हो या महाराष्ट्र या उपचुनाव, इन तमाम चीजों के लिए अब एक ही विकल्प बना है, इस बीमारी ये जो कैंसर हो गया है उसका एक ही इलाज है कि खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार हो, किसको वोट पड़ रहा है किसको नहीं पड़ रहा है जनता को भी पता होना चाहिए, सरकार को भी पता होना चाहिए, नौकरशाह को भी पता होना चाहिए और नेता को भी पता होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस तरह से जहां बीजेपी जहर फैला रहे हैं, यही बंगाल के अंदर जहां कैबिनेट मिनिस्टर बैठा होता है और मिथुन चक्रवर्ती कहता है मैं 70% को हर हालत में देख लूंगा, उसको दफना दूंगा, जहां वहां डाल दूंगा, तो ये इस तरह की नफरत पहुंचाना कितना बड़ा जायज है? क्या यह संवैधानिक है? क्या मिथुन चक्रवर्ती FIR होकर उसको जेल नहीं जाना चाहिए? क्या गृह मंत्री जो वहां बैठ के मुस्कुरा हंस रहे थे, बहुत सारे बीजेपी के लीडर बैठे थे, उन सब पे FIR लॉज होना चाहिए और सबको अपना जो है पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये तो मजे ले रहे हैं और ये मजे का लेकर के जनता को बांटना चाहते हैं। और फिर इन्हीं के बीजेपी का एक नेता कहता है बटोगे तो कटोगे। अरे कौन बट रहा है मेरे बाप? आप बट रहे हो, हमारे समाज को बांट रहे हो, हमारे बहुसंख्यक को बांट रहे हो, हमारे दलित को बांट रहे हो, आप राज कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। एक तरफ बागेश्वर बाबा कह रहे हैं सब मिल जाओ, हिंदू बन जाओ, तो पहले आप मुझे मंदिर में घुसने दो, आप शादी कर लो, जो है ब्राह्मण की लड़की से शूद्र के लड़का से शादी करा दो, आप जो है हमारे हक अधिकार समानता का दे दो, हम कहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम कहेंगे हम भारतीय हैं, मुसलमान जैसे सब अलग अलग जातों में बैठे हैं लेकिन वो मुसलमान कहते हैं, उसी तरह से हम भी हिंदू कहेंगे, लेकिन मेरी समानता का अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार, मेरा जो है आर्टिकल 340 341
दे दो ना, कहां देते हो, नहीं देते हो, फिर जुमलाबाजी करते हो, फिर नेतागिरी करते हो, फिर जो है आप पूजा पाठ कर करके आप जो है बड़ा मठाधीश आचार्य और योगी बनते हो, तो इस तरह का भोगी लोग। ये हमारा संविधान सबको धार्मिक आजादी की स्वतंत्रता देता है। आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन कांग्रेस की जिस राज्यों में सरकार है वहाँ पे जनहित में जनगणना कराने जा रही है, तेलंगाना में जनगणना का स्टार्ट होने वाला है भाई, ये सब कराने जा रही है। जैसे कई सालों से मोदी जी कह रहे हैं ईपीएस 95 को पेंशन देने जा रही है, महिलाओं को कहा कि 33% आरक्षण देने जा रही है, कब देगी 2029 में। तो यानी कि आप जो है ये मान करके बैठे हैं कि मुझे आजीवन सत्ता में आना है, देने जा रही है, दे नहीं रही है, और चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप, जुमलाबाजी कर रहे हैं। अरे जहां है वहां शुरू करो ना, जिस चार राज्य में जहां इंडिया है, जहां इंडिया है आप शुरू करो। शुरू करने में देर किस बात का, करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, योजना परियोजना सुनाए जा रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, यही कोर्ट कह रही है, वो नोटिफिकेशन कर रही है लेकिन किसी को सजा नहीं मिल रही है, और ये सब जो है वीआईपी कल्चर में, वीआईपी कानून में, कानून का दो पार्ट बना दिया गया है, ये सभी राज्यों में हो रहा है। बीजेपी के कुछ लोग उकसाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता, वो कुछ भी कहें, और अगर उसमें अगर सच्चाई का, जैसे अनुप्रिया पटेल ने जो उत्तर प्रदेश में किया, तो सच्चाई की मुंह बंद किया जाता है, लेकिन कर्नल रनावत का मुंह बंद नहीं किया जाता, मिथुन चक्रवर्ती के मुंह बंद नहीं किया जाता, ऐसे ही विदुरी का जो है मुंह बंद नहीं किया जाता। तो ये सब नफरतवादियों को आप गले मिलाते हो, भ्रष्टाचारियों को गले मिलाते हो। महाराष्ट्र के अंदर जिन लोगों पे आप भ्रष्टाचार का केस था, जैसे अजित पवार 1400 करोड़ का केस चला था, आपने उसको जो है गले मिला के आप कहते हैं मैं राज बनाऊंगा, तो आप कोई राज नहीं बना रहा, जनता इनको किसी को वोट नहीं दे रहा है, और ये सब बेईमानी शैतानी कर करके आप जो है उसमें चोरी डकैती कर करके आप जो है राज कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। एक लास्ट सवाल, जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती लगातार जो नफरती भाषण दे रहे हैं, अगर वहां पर जेएमएम की सरकार बनती है तो मिथुन चक्रवर्ती पे लो जाएंगे? देखिए एफआईआर तो उनपे हो गया है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, जबकि अरेस्ट हो जाना चाहिए था। तो इस तरह का जब सरकार होगी, जब दबाव पड़ेगा तो सरकार बदले की इशारा करेगी, लेकिन यह है कि बदले की भावना नहीं हो करके हमें जो है संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रह करके, मर्यादा में रह करके, बिना किसी को क्षति पहुंचाए, अगर हम लोग जो है मनुष्यता को माने, मानवता को माने, एक दूसरे से प्यार करें, नफरत की बाजार को खत्म करें, क्योंकि नफरत की बाजार में इतना सारा सामान डाल दिया है कि कचरा ही कचरा हो गया है, तो इस सबसे हमें हटना होगा। भारतवर्ष जो है बहुत सहनशील है, हमने किसी पे अटैक नहीं किया, हमने किसी को नुकसान नहीं किया, सब आकाओं ने, सब आक्रांताओं ने हमारे भारत पे आया। आज हमारे भारत के अंदर ये कौवे जो है, ये जो रामायण के अंदर जो लिखा था कि एक दिन राम जी, एक दिन एक ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा, तो ये कौवे लोग मोती खा रहे हैं और ये मजे कर रहे हैं, तो इससे हमें बचना होगा, और इस कलयुग को भी हमें सतयुग में बदलने के लिए और हमें शांति बहाल करने के लिए जो बहुसंख्यक है उनको वो टूटे नहीं बल्कि जूटे, और एक साथ मिल कर करके अपने अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि को आगे लेकर करके देश को